हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं लिम्पिंग प्रॉब्लम, यानी आपके पैरों में लचक सी आना। क्योंकि फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, मानो कि जैसे कि टीबिया का फ्रैक्चर हो जाए, फिबुला का फ्रैक्चर हो जाए, नी का फ्रैक्चर हो जाए, साफ्ट फीमर का फ्रैक्चर हो जाए या इंटरटोकेंटिक फ्रैक्चर हो जाए, उसके बाद में आपको डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर चलने की सलाह दे दी जाती है, भाई आप चलें। लेकिन वहाँ पर फ्रेंड, आप लोगों को वहाँ पर लिम्पिंग प्रॉब्लम यानी लंगड़ापन, लचक आना सा दिखाई देता है, जो कि खुद को और सामने वालों को भी लगता है कि यार ये लंगड़ा लंगड़ा चल रहा है। फ्रेंड, यह है हमारा सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमें किस तरह से चला जाता है, यानी नॉर्मल व्यक्ति किस तरह से चलता है, तो उसे हम बोलते हैं गेट साइकिल। तो यहाँ पर हमने किस तरह से चलेंगे तो उसकी हमने बात करी गेट साइकिल के रूप में। उसके अलावा कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लिम्पिंग प्रॉब्लम यानी लचक सी आना दिखाई देता है। तो फ्रेंड, इस पार्ट में हम देखेंगे एक बार फिर से कि हमारी गेट साइकिल यानी नॉर्मल व्यक्ति किस तरह से चलता है और हमें भी किस तरह से वहाँ पर चलना है। उसके अलावा जो मुख्य कोज है, उन कारणों को हम एक्सरसाइज के माध्यम से किस तरह से ठीक करेंगे, वो भी आप देखें। फ्रेंड, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी कि हमारे चलने का एक पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं स्टांस फेज और स्विंग फेज। स्टांस फेज में आपका स्टांस फेज किस तरह से रहेगा, जो कि हमारे चलने का पैटर्न है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पैर है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर करते हैं हील स्ट्राइक। अब हील स्ट्राइक के अंदर आप देख रहे हैं जैसे हमारा पंजा है वो ऊपर की ओर रहता है, यानी डोर्सिफ्लेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पर होता है आपका फुट फ्लैट। अभी आपका फुट फ्लैट हो चुका है, अब आप दूसरे पैर को देखेंगे, जैसे कि ये फुट फ्लैट के बाद में ये आता है मिड स्टांस, यानी जिसमें हमारा पूरा फेस चला जाता है। अब आप दूसरे पैर को देखें, जब आप यहाँ पर मिड स्टांस करते हो तो हमारा पूरा वेट चला गया, और जो हमारा आप दूसरे लेग को देख रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो हील है, हील ऑफ हो चुका है, और वहाँ पर हमारा ग्राउंड से टो टच है। इसके अंदर फ्रेंड, जो दूसरा लेग है इसको आप देखते हो जैसे कि आगे चल रहा है, और ये अब करेगा हील स्ट्राइक, यानी ये हील स्ट्राइक करेगा। जब ये हील स्ट्राइक करेगा तो हमारे जो पैर है यहाँ से हील ऑफ और ये टो ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से हमारा एक गेट साइकिल का पैटर्न रहा जिस तरह हम चलते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आपको देखने हैं कोज यानी किन कारणों से ये शिकायत होती है, तो आप उस फर्स्ट पार्ट को भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर एंड स्क्रीन से उन्हें देख सकते हैं। अब फ्रेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे पेल्विक शिफ्टिंग, यानी हमारी पेल्विक अप डाउन हो जाना। सो फ्रेंड, जैसे आप देख रहे हैं, ये मैं डबल सपोर्ट के साथ में खड़ा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप नॉन वेट बेयरिंग चलते हो तो नॉन वेट बेयरिंग चलने में आप पेल्विक ऊपर करके चलते हो, तो उसकी वजह से जो हमारी ये पेल्विक पोर्शन ये अप एंड डाउन हो जाता है। तो मान के चलो कि ये हमारी पेल्विक जैसे इस साइड में हमारा ये अप है, तो यहाँ पर आप करोगे इस पर पूरा प्रेशर रखोगे और इधर से इस तरह से ये आपको एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से। इससे क्या होगा, कुछ पेशेंट की ये शिकायत होती है, सर मेरा पैर छोटा बड़ा हो चुका है। तो फ्रेंड, वहाँ पर पैर छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ पर आपकी पेल्विक शिफ्टिंग होने की वजह से वहाँ पर आपको जैसे ही आप वेट डालना चाहते हो तो ठीक तरह से वेट नहीं जा पाता। और कुछ पेशेंटों के ये भी कमेंट्स होते हैं, सर मेरे अपने पैर पर वजन डालने की कोशिश करता हूँ लेकिन उस पर ठीक तरह से वजन नहीं जा पाता, तो उसका कारण यही है। सो फ्रेंड, यहाँ पर जो पैर आपको छोटा बड़ा लगता है उस पैर को आप ग्राउंड पर रखेंगे और दूसरे वाले लिम्ब को आप ऊपर की ओर करेंगे, इस तरह से। तो इस तरह से आपकी ये पेल्विक, और धीरे धीरे बाद में इसको स्ट्रेंथ भी करें। स्ट्रेंथ किस तरह से करेंगे, जैसे 10 सेकंड के 1 2 3 इस तरह से आप 10 सेकंड और 10 टाइम करने का प्रयास करना है। उसके बाद फ्रेंड हम देखेंगे यहाँ पे मुलिगन बेस, कि मुलिगन बेस मैनुअल थेरेपी के द्वारा आप अपनी पेल्विक जो अप एंड डाउन यानी शिफ्टिंग हो जाती है उसको आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम देखेंगे मुलिगन बेस मैनुअल थेरेपी के द्वारा हम अपनी पेल्विक शिफ्टिंग को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। पोजिशन लो फ्रेंड, जैसे कि ये पिलो है, अब पिलो को आपको क्या करना है, एक घुटने के नीचे रखना है। अब आप यहाँ से आपको आगे की ओर और पीछे की ओर जाना है, अब नॉर्मल पोजीशन। अब फ्रेंड आप देखेंगे कि ये वाला पोर्शन आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, उसके अलावा ये वाला पोर्शन नीचे की ओर जा रहा है, जो कि आप पेल्विक शिफ्टिंग को आपको करने में यानी जो ऊपर नीचे हुआ है उसको करेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ऐसे आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से 20-30 जितना चाहे उतना कर सकते हैं। गुड फ्रेंड, उसके बाद में इसी पिल्लो को आप दूसरे नी के नीचे रखेंगे। अब आप देखें, इधर से आपको ये नीचे की ओर दिखाई दे रहा है और उधर से ऊपर की ओर दिखाई देगा, तो इससे हमारी जॉइंट की जो एक स्टिफनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो आपकी पेल्विक शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा।
गुड। इसके अलावा फ्रेंड एक और कोर्स था जिसमें हमारी जो अडकदार मसल यानी थाई के अंदर वाली मसल्स है उसकी टाइटनेस होने की वजह से भी यहाँ पर लिम्पिंग प्रॉब्लम नज़र आती है, तो हम उसको स्ट्रेचिंग के द्वारा किस तरह से ठीक करेंगे वो आप देखें। फ्रेंड इसमें आप पेशेंट को लेटा दीजिए और पेशेंट को लेटाने के बाद दोनों घुटनों को बेंड कर उसको चौड़ा करना है। अब आप इसमें दोनों हाथों का प्रेशर देके भी चौड़ा कर सकते हैं, जो कि आपका स्ट्रेचिंग होगा 15 सेकंड से लेकर आपका 30 सेकंड तक। ये आप कर सकते हैं, आप 3 टाइम या 4 टाइम आप इसे आराम से कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें, दोनों पैरों को मोड़कर स्ट्रेच करना है, जो कि आपका होगा 15 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक स्ट्रेच। ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 दिन में 2 से 3 बार आराम से करें, जिसे आप 3-3 के सेट में या 4-4 के सेट में आप कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपका एक कोर्स बनता है कि आपका जो एंकल जॉइंट होता है एंकल जॉइंट की स्टिफनेस, क्योंकि एंकल जॉइंट जैसे कि आपको टीबिया फिबुला का फ्रैक्चर रहा या आपको नी का फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ पर जब प्लास्टर चढ़ाया जाए तो उसे न्यूट्रल पोजीशन में आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड आपका डोर्सिफ्लेक्शन यानी ऊपर की ओर जाना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसके अलावा नीचे की ओर जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। इसी तरह से ये हमारे जॉइंट का अंदर की ओर और बाहर की ओर ये जॉइंट भी हमारा जाम हो जाने स्टिप हो जाता है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना जरूरी है। यानी कहने का मतलब आपको जॉइंट को फ्री करना है। जब आप जॉइंट फ्री करोगे तब आपका जैसे कि हमने आपको चाल में बताया कि आप जब हील स्ट्राइक करते हो तो आपका फुट ऊपर की ओर जाता है, अब जब स्टिप होगी तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं ग्राउंड से जो हमारा फ्लैट फुट है वो डायरेक्टली आप ग्राउंड को टच कर बैठते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर लचक बनती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैनुअल थेरेपी यानी अपने आप से जितना हो सके दूसरे के सहारे अप एंड डाउन रोटेशन ऐसे ही आप काप मसल को भी स्ट्रेच करना है इस हाथ का यूज़ करके इस तरह से। अभी आप कंटिन्यू स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जैसे 15 सेकंड से लेकर यहाँ पर 30 सेकंड का आप स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि 3 सेट में हो सकता है। उसी तरह से आप इसे नीचे की ओर स्ट्रेच करें और ये साइड टू साइड रोटेशन इवर्जन और इन्वर्जन कराना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको करवाना है रोटेशन। अब जिन पेशेंट को स्टिफनेस होती है उनको काफ़ी ज़्यादा पेन बनता है, तो फ्रेंड ये करना ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एंकल की एक्सरसाइज होती है स्टैंड की एक्सरसाइज, वो भी आप एंडिस्किन से देख लीजिए ताकि आपको एंकल को स्टैंड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फ्रेंड ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज को करके आप अपनी जो आपकी लचक है यानी लिम्पिंग प्रॉब्लम उसको काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड आपका घूमना, आप बराबर घूमते रहे, उसके अलावा जैसे आपके बार बार स्वेलिंग बनती है, जैसे कि आप कमेंट देते हैं आपके कि सर मैं चलता हूँ मेरा स्वेलिंग बन जाती है, उसके बाद रेस्ट करता हूँ तो मेरी स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, तो फ्रेंड अगर आप जैसे कि आपकी स्वेलिंग आपको किस तरह से ख़त्म कर सकते हो, उसके अलावा आपका जो ड्यूरेशन है आपका जो चलने का ड्यूरेशन उसको किस तरह से बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आप बहुत सी बार एकदम से सडनली माइलेज बढ़ा देते हो यानी आप ओवर एक्टिविटी करने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग बन जाती है, तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को बढ़ाना है जिससे आप अपनी लिम्पिंग प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर हम करेंगे बैलेंसिंग एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट भी होते हैं कि सर मुझे चलते वक्त ऐसा लगता है कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ। फ्रेंड बैलेंसिंग एक्सरसाइज में यहाँ पर बैलेंस बोर्ड का यूज़ किया जाता है जिसका हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसके अलावा फ्रेंड आप अपना बैलेंस जैसे कि ये इस तरह से बैलेंस बनाने का प्रयास करें दोनों पैरों पर। उसके अलावा फ्रेंड आप इस तरह से आपकी चाल के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो कि हमारे एक चलने का पैटर्न होता है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें तो इससे काफ़ी हद तक एक तो आपका जो एंकल का मूवमेंट है वो अच्छी तरह से बन पाएगा। तो इस तरह से आप कुछ एक्सरसाइजें करें जिससे आपको डबल सपोर्ट आपका वेट ट्रांसफर में और साथ में जो आपको डर लगता है गिरने का वो भी आपका दूर हो जाएगा। फ्रेंड ये तो थी कुछ एक्सरसाइज, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए हेल्दी से हेल्दी वीडियो बना सकें। उसके अलावा फ्रेंड अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है, आप कॉल नहीं करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा। फ्रेंड मैसेज वही करें जिन लोगों को वाकई अपॉइंटमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे असिस्टेंट होते हैं और यहाँ पर हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं जिनका आप ठीक तरह से जवाब नहीं दे सकते, तो आपको जवाब मिलेगा आपका अपॉइंटमेंट होगा
तो सिर्फ वही लोग मैसेज करें जिनको वाकई में अपॉइंटमेंट लेना है, जिसका आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिन्हें हमारे असिस्टेंट देखते हैं, उसके बाद आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।